हे गाइस, मेरा नाम है श्रांत सिन्हा, आप देख रहे थे फुटबॉल टाइम। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू शूट द ट्रिवेला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ट्यूटोरियल को। ओके गाइस, तो मैं शॉट के बारे में बता दूं, ये पॉल पोगबा रिकार्डो क्वारेज्मा बहुत इसमें एक्सपर्ट है। ये पास, शॉट, गोल पे, लॉन्ग क्रॉसेस, सब कुछ अपना ट्रिवेला से ट्राई करते हैं। और जो कि बहुत माहिर है इसमें वो है क्वारेज्मा। वो गोल्स, उनकी जो गोल्स है वो बहुत सारे गोल्स ये ट्रिवेला से ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ट्यूटोरियल को। ओके गाइस, तो ट्रिवेला में जो मेरा डोमिनेंट फुट है, जो मेरा स्ट्रांग फुट है, मैं उस साइड से रन अप लूंगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि 4-5 स्टेप आपको पीछे जाना है या हिट करना है। जितना फर्म आपका रन अप होगा उतना अच्छा आपका शॉट जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला स्टेप। ओके गाइस, स्टेप नंबर 2, तो बूट के कौन से हिस्से से हमें बॉल को हिट करना है। ओके गाइस, तो मैं बता दूं आपको, जब हम पावर शॉट मारते हैं तो हम इस हिस्सा से हम मारते हैं बॉल को। बट ट्रिवेला के लिए आपको अपने आउट ऑफ द फुट इस्तेमाल करना होगा, जो कि ये हिस्सा है। ये हिस्से से अगर आपको बॉल के हल्का सा नीचे में मारेंगे तो आपका बॉल फ्लाई भी करेगा और उसको टॉप भी नहीं मिलेगा। स्टेप नंबर 3 है हमारा प्लेसमेंट में। तो हम कैसे मारे बॉल को, ये बड़ा क्वेश्चन होता है ट्रिवेला में। अगर आप जैसे, ये रहा मेरा गोल पोस्ट, सामने मेरा गोल पोस्ट है, और मैं अगर बॉल के साइड पे अगर पैर रखूंगा तो मेरे को ज़्यादा स्पेस मिलेगा नहीं। तो मेरे को बॉल के हल्का पीछे और थोड़ा लंबा स्टेप लेना होगा और हमें अपना एंकल लॉक करना होगा ऐसे करके। इससे क्या होगा ना, हम अपने आप को बॉल को आराम से हिट कर पाएंगे, जिसके कारण बॉल हल्का सा राइट स्पिन जाएगा और टॉप स्पिन जाएगा। ओके गाइस, स्टेप नंबर फोर हमारा है हिटिंग द बॉल। अब हम जब पैर का प्लेसिंग करेंगे, जो नॉन किकिंग फुट है वो हम थोड़ा सा, जैसे मेरा टारगेट सामने है बट मैं अवे फ्रॉम टारगेट अपना पैर को रखूंगा, नॉन किकिंग फुट जो कि ये है मेरा, मैं इधर रखूंगा थोड़ा बाहर और ट्राई करूंगा बॉल को हिट करने का इधर, जो कि है बॉल के बिल्कुल नीचे। सो ये रहा मेरा पैर, और जो किक करने वाला हूँ मैं वो होगा हल्का सा ये मार के ना उसके नीचे और थोड़ा सा बाहर की तरफ यहाँ पर। तो इससे क्या है ना, आप बॉल को जब मारेंगे तो बॉल इस तरफ भी घूमेगा और अपना एंकल को अगर थोड़ा सा उठा के रखेंगे तो इससे आपको डिप भी मिलेगा, जो कि बॉल डिप करेगा। ओके गाइस, स्टेप नंबर 5 है मेरा फॉलो थ्रू। जैसा कि मेरा जो कैमरा है वो अगर गोल पोस्ट है तो मैं जो अपना पैर प्लेस करूंगा वो थोड़ा अवे होगा, और जब मैं फॉलो मारूंगा, जब हिट करूंगा मैं बॉल को, पैर को मेरे को सीधा नहीं रखना है, मेरे को पैर को अंदर की तरफ लेके आना है ऐसे। तो इसे कहना बॉल को स्पिन मिलेगा और वो बनाना टाइप का शॉट जा सकता है। ओके गाइस, सबसे मेन स्टेप यही है फॉलो थ्रू। आपका फॉलो थ्रू अच्छा रहेगा तो अच्छा पेस में बॉल जाएगा। आप इसमें टेक्निक पे बेस रहिए, आप पावर जितना पावर लाएंगे उससे कुछ नहीं होने वाला, बॉल फ्लाई कर जाएगा। टेक्निक पे रहेगा तो एग्जैक्ट आपका टारगेट पर जाएगा। मैं पैर ऐसे रखा और मैं हिट करने के बाद मैं पैर को अंदर फटाफट ले आया। ओके, तो फॉल थ्रू के बाद मेरे को ना क्या मिलेगा ना, मैं बॉल को जैसे हिट करूंगा ना, मेरा बॉल हल्का सा ऐसे स्पिन जाएगा और टॉप स्पिन जाएगा, जिससे मेरे को बैंड मिलेगा और कर्ल मिलेगा, जो कि मेरे को चाहिए ट्रिवेला में। तो चलिए स्टार्ट करते कोई एग्जाम्पल से।